ये बॉस का वाइट है हमारे पास, सिर्फ ये एक यही बच। मैंने आपको बताया था कि लाश जो है वो हमें मिल गई है। मच्छर डेंगी है भाई, इधर ये डेंगी है। जी गाइस वेलकम बैक हो गया आपके अनदर व्लॉग के अंदर। आज आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल भी है जो डाउन डाउन है, क्योंकि आज बड़ा हादसा सब पेश कुछ आया है। डाउन हो गया। डाउन क्या, खत्म हो गया ये। ये माशाल्लाह मिले हैं जी, अब्दुल्ला भाई आए हैं जी, इनकी मेहरबानी है जी, आ जाते हैं ये। कैसे हैं जी अब्दुल्ला भाई आप? शुक्र अल्लाह पाक का ठीक भाई, है, सेहत आपने भी ठीक है बहुत बहुत जो है ना बुरी खबर सुनाई है भाई। बस क्या करें, यकीन माने मैं सुनता गया हूँ तो मेरी भी एक दफा पैरों के नीचे से ना जमीन निकल गई मैं यार। तो सुबह में, चलो मैंने व्यूअर्स को भी कहा था कि भाई दुआ करिएगा कि राणा साहब के जो है ना फ्रेंड बीमार हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं, तो लेकिन आपने तो आके इधर कुछ और ही खबर सुना दी है भाई बस क्या करें, कि वो उनकी बाकी है, वो लाशें किधर पड़ी है लाशें वैसे? भाई पीछे उधर रखी है मैंने, जाते हैं उधर भी आपको नजर आए उधर अच्छा, जाते सिर्फ हैं। ये है कि व्यूवर्स अभी सिर्फ एक ये हमारा पास बचा है, हाँ अभी ये बचा है ये जी, वाइट सा, इसकी भी इसके मेहरबानी है जूम जी करके ये। दिखाएं, ये बॉस का वाइट है हमारे पास, सिर्फ ये एक यही बच गया। तो अब समझ नहीं आ रही इसका क्या करें, तो बताएं व्यूवर्स इसके बारे में क्या करें, किसी को दे दें या इसको रखें हम अपने पास ही, क्योंकि घर वाले भी शदीद गुस्से में है कि भाई आप केयर नहीं कर रहे या क्या मसला है। तो अभी दिल मारा खुद, मैं अभी पहुंचूं बस इधर अब भाई के पास। मैंने भी जल्दी जल्दी में अब्दुल्ला भाई को की है कॉल ना, तो मैंने बोला जी किधर रह गए हैं जी, आए हैं इधर, तो मुझे कहते हैं जी क्यों क्या हो गया, खैरियत है? मैंने बोला यार आए आप ना, एक मसला हो गया। अब मसला भाई वो जारी बात है, फोन पे थोड़ी ना बताना था यार, इतनी बड़ी न्यूज है ये, बेचारे एक एक दिन का पालते हैं, मेहनत करके परिंदा हो मर जाए फिर फायदा नहीं है यार। तो चले चलो मैं मान अभी गए। आपको जरा दिखाता हूँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाश जो है वो हमें मिल गई है, तीन में से एक मिली तीन है। में से एक मिली है, वो दो ना कोई चीज लेके गई है। अब समझ नहीं आ रही चीज कौन सी लेके गई है ना। तो अभी फिर आपको मैं जरा लाश भी दिखा देता हूँ, ये चेक करें जी लाश आप। इसका वो दिखा असल में देते हैं नीचे से नहीं व्यूवर्स, दिखा ये ना दिल सकते। दिल गुर्दा खराब हो जाता है यार। हाँ अपना ना वो क्या नाम है, देख के जरा ना ये देखें आप, बेचारे का सर ही नहीं रहा जी। हालांकि 2-2.5 महीने का चूजा है, मगर नहीं समझ आई हुआ क्या यार, सर नहीं रहा बेचारे का। एक ही लाश मिली है, वो पाँव भी नहीं है, मजे की बात। ये देख रहे हैं पाँव भी नहीं है उसका, ये लंगा कर दिया यार। इसको कहते हैं हमारी जुबान में लंगड़ा कर दिया। तो यार मुझे बताएं यार, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, राय दें, मशवरा दें कि मैं ये नेवलों का हल क्या करूं। मुझे समझ नहीं आती यार, मैं इतनी केयर करता हूँ, फिर नेवले घुस गए, कोई ना कोई चीज़ घुस गई, उसने मेरे चूजे मार दिए, कभी क्या मार दिया। लेके चलता हूँ, जो बेचारा एक रह गया है वो उनसे मिलवा देता हूँ। अब मुझे ये बताएंगे इसका मैं हल क्या करूँ। मैंने तो भाई को बुलाया, एक भाई है मेरे जो माशाल्लाह जिनके हाथ में कैमरा है, मैंने बोला जी कि इसको आप ना ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ना करे इसको भी नेवला शेवला कुछ भाई कर दे। मच्छर देखे जी, मच्छर तो इधर आया ना भाई, मच्छर डेंगी है भाई इधर, ये डेंगी है ऊपर में। असल में माशाल्लाह परिंदा वाइट और बोस्का टाइप है, तो मच्छर थोड़ा जूम करें, मच्छर साफ नजर आएगा आपको। जरा ये देख रहे हैं सामने मच्छर हाँ बैठा ले हुआ है बैठा, चुगिया ले रहे हैं। भाई। अब क्या करें जी, को मशवरा दें यार आप लोग व्यूवर्स, आप लोग कमेंट में अपनी राय बताएं। मैं तो एक और दिल है कि ये शौक छोड़ दूं तो कुत्तों की तरफ चलें, जरा कुत्ते भी लेना जरा, वो ठीक रहते हैं। चेक करें जी माशाल्लाह परिंदा ये एक ही रह गया है। तो बाकी यही है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, आज भाई आप बहुत दूर ले गए हैं, आप बहुत करीब से लोगों को शोक करवा रहे हैं परिंदों का, बस इतना और सा कोई बहुत डर है। ये भी आप ना रहे यार यार, ना डर ही लगता ना यार, बेचारा एक रह गया, असल में आपके सामने माशाल्लाह खुडे भरे हुए थे, वो बिल्कुल खाली आपने हो जाए एकदम तो ये परिंदे। बात यह है कि पैसों की बात नहीं है, बंदा पैसों की ओर ले जाता है, इनकी सब मोहब्बत हो जाती है असल में। पता है आप एक दिन का चूजा पालते हो, मेहनत करते हो उस पे, आए बीमारी काटते हैं वो, हर चीज काटता है, तो जरा ये चीजें हैं बस। यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि बड़े प्यार मोहब्बत से लोग पालते हैं, उनसे तो हो जाती है, पैसा भी लगता है, लेकिन पैसे तो चलो बंदा शौक है लगाता ही रहता है, तो बस मुझे लगता है कुछ लोग जो व्यूवर हमारे हैं कुछ उनमें से माशाल्लाह नहीं कहते शायद, तो माशाल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से भाई मात की जो है ना वो शौक को नजर लग गई है। तो इस दफा मेरे ख्याल में अभी जितने व्यूवर हैं देखने वाले उनको चाहिए एक दफा तो माशाल्लाह कह दें, ठीक है? तो उसके अलावा माद भाई और अभी क्या सोचा है, फिर क्या करना है इसका?
भाई अभी क्या सोचना है यार, आप मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं इसका। यार समझ नहीं आ रही मुझे। खैर कहते हैं तो इधर ही बंद कर देते हैं या फिर इसको अंदर ले जाते हैं। तो बाकी भाई यही है कि आप सब भाइयों से अपील है कि हमारे लिए खसूसी दुआ करें कि बीमारी या नेवला शेवला हमारे परिंदे को ख़राब ना करे। तो बाकी आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मजीद हमारी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। वीडियो भी आज हम तकरीबन 4-5 दिन के बाद बना रहे हैं। तो आपको फिर अभी जाके ना थोड़ा सा शौक, ज़रा वो जो हमने पर्शियन बिल्लियाँ लाई हैं ना, तो उनका थोड़ा सा आपको शौक करवाते हैं।